Hello students of class 2nd, I am Sana Ahmed. Let's start with EVS. And today we will discuss about chapter number 12, Water and Air are Precious. Kids, in this chapter we will learn that how we can save water and air to be polluted. As we know, water and air are very precious to us. Without both of these components, we can't live a single moment. Let's know more about it. Let's start reading the chapter number 12, Water and Air are Precious. Uncle Shobhit told us that air and water are essential for all living things. Plants and animals both need water and air to grow and live. So kids, जैसे कि हमने अब तक समझे हैं कि air और जो water होता है वो सभी living things के लिए बहुत ही important होता है. Plant या animal, इन दोनों को ही water और air की बहुत ही ज़रूरत होती है ताकि ये grow कर सकें और ज़िंदा रह सकें. Even we human beings cannot survive without water or air. We use water for almost everything like drinking, cooking, washing and for many more activities. Kids, यहाँ तक कि हम खुद human beings भी without water और air के survive नहीं कर सकते. हम water हर वक्त हर एक एक्टिविटी यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग और भी बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं. डू यू नो दैट ओनली 1% ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड कैन बी यूज फॉर आर नीड्स, द रेस्ट इज सॉल्ट वाटर और वाटर ट्रैप इन ग्लेशियर्स. द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट ग्रोइंग बट द नंबर ऑफ पीपल आर. वी नीड टू सेव वाटर एंड You can help. So kids, मैं आपको बता दूँ, इस पूरे अर्थ प्लानट अर्थ पर सिर्फ 1% ही वाटर है जिसे हम यूज़ पे ला सकते हैं. इसके अलावा जो वाटर है हमारे अर्थ पर, या तो वो ग्लेशियर्स में फंसा हुआ है या फिर वो सारा सॉल्टी वाटर है, मतलब नमक मिला हुआ है जिसे हम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते. जैसे कि हम सबको पता है कि वाटर जो है वो जितना है वो उतना ही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है. लेकिन जो हम हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो रेगुलरली नंबर्स में बढ़ते जा रहे हैं. तो हमें चाहिए कि हम वाटर को सेव कर सकें. सो किड्स, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसमें हेल्प करें ताकि हम वाटर को सेव कर सकें. सो किड्स, लेट्स सी कि कैसे मेथड्स को फॉलो करके हम वाटर को सेव कर सकते हैं. क्लोज टैप्स वेन नॉट इन यूज़. जब हम वाटर का इस्तेमाल ना कर रहे हों तो हमें चाहिए कि टैप्स को प्रॉपरली बंद कर दें. कलेक्ट रेन वाटर एंड रीयूज इट. हमें चाहिए जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करें और उसको रीयूज़ करें. यूज़ अ बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ. जब कभी भी आप नहा रहे हो, हमेशा याद रखिए कि आप बकेट और मग का यूज़ कर रहे हो नहाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा पानी वेस्ट ना करते कहीं. डू नॉट थ्रो ट्रैश इन द रिवर. कभी भी कूड़ा कचरा जो भी गार्बेज है रिवर में बिल्कुल भी मत फेंकें. कीपिंग द एयर क्लीन इज़ इम्पॉर्टेंट टू. इन बिग सिटीज द एयर इज़ नॉट सो क्लीन. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स पोल्यूट द एयर. Our clean air is getting dirty. That's not good, but you can help. So kids, बड़ी cities में जहाँ बहुत just like दिल्ली, मुंबई, यहाँ का जो air है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो factories हैं और जो motor vehicles हैं उनके धुओं ने क्या कर दिया है, air को pollute कर दिया है. और इस वजह से जो हमारी air है वो धीरे धीरे डर्टी होती जा रही है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. लेकिन आप इसमें हेल्प कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स टू सेव अस. अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स वेयर यू कैन वॉक. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप कि पैदल चलें,
जहाँ पैदल चल सकते हैं वहाँ पैदल चलें, वहाँ व्हीकल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। गो ग्रो ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स करना चाहिए ट्रीज़ को, ताकि हम उसको एयर को क्लीन कर सकें, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो एयर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखते हैं। Do not burn anything that produces lots of smoke, like crackers, garbage and leaves. कभी भी ऐसे चीज़ों को मत जलाइए, just like crackers, plastics, garbage, leaves. ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धुआं बनाती हैं, जिससे हमारी एयर गंदी हो जाती है. Kids, water and air, we promise to take care. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.